मुझे विश्वास है भारत की दिशा सही है, भारत की गति तेज है और भारत के सपनों में सामर्थ्य है। लेकिन इन सबके साथ संवेदनशीलता का हमारा मार्ग हमारे लिए ऊर्जा में एक नई चेतना भरता है। ममभाव हमारे कार्य की शैली है, समभाव भी चाहिए, ममभाव भी चाहिए, उसको लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, मैं जब कोरोना काल को याद करता हूं, कोरोना की वैश्विक महामारी के बीच सबसे तेजी से इकोनॉमी को बेहतर बनाने वाला कोई देश है तो वो देश भारत है, तब लगता है कि हमारी दिशा सही है। जब जात पात मत पंथ ऊपर उठकर हर घर तिरंगा फहराया जाता है तब लगता है देश की दिशा सही है। आज पूरा देश तिरंगा है, हर घर तिरंगा है, न कोई जात है, न कोई पात है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, सभी भारतीय है। यही तो हमारी दिशा की ताकत है। जब हम 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हैं तब हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि हमने गति को बराबर मेंटेन किया है और सपनों को साकार करना दूर नहीं है। जब 100 से अधिक आकांक्षी जिले अपने अपने राज्य के अच्छे जिलों की स्पर्धा कर रहे हैं, बराबरी करने लगे हैं, तो हमें लगता है कि हमारी दिशा और गति दोनों सामर्थ्यवान है। जब हमारे उन आदिवासी साथियों को वो मदद मिलती है, पीएम जनमन के द्वारा उनको जो योजनाएं पहुंची थी, आबादी बहुत छोटी है लेकिन बहुत दूर सुदूर इलाकों में छुटपुट छुटपुट परिवार रहते हैं, हमने उनको खोज के निकाला है, उनके लिए चिंता की है, तब लगता है कि संवेदनशीलता से जब काम करते हैं तब संतोष कितना मिलता है। वर्किंग वुमेन के लिए पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर के 26 हफ्ते कर देते हैं, तब सिर्फ नारी का सम्मान ही करते इतना नहीं है, नारी के प्रति संवेदनशील भाव से निर्णय करते इतना नहीं, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा पला है ना, उसको एक उत्तम नागरिक बनाने के लिए मां की जो जरूरत है उसमें सरकार रुकावट न बने, इस संवेदनशील भावना से उस निर्णय को हम करते हैं। जब मेरे दिव्यांग भाई बहन भारतीय साइन लैंग्वेज की बात हो या तो सुगम्य भारत का अभियान हो, उसको लगता है कि अब मेरी भी डिग्निटी है, मेरे प्रति देश के नागरिक सम्मान के भाव से देखता है। और पैरालंपिक में तो हमारे खिलाड़ी नई नई ताकत दिखाने लगे हैं, तब लगता है कि ये जो मेरा मम भाव है, हम सबका मम भाव है, उसकी ताकत नजर आती है। हमारे ट्रांसजेंडर समाज के प्रति हम जिस संवेदना के साथ निर्णय बना रहे हैं, हम नए नए कानून बना रहे हैं, उनको सम्मान का जीवन देने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तब बदलाव की हमारी दिशा सही दिखता है। सेवा भाव से किए गए इन कामों का, जो त्रिविध मार्गों से हम चले हुए इन कामों का एक सीधा सीधा लाभ आज उसके परिणाम के रूप में हमें नजर आ रहा है। 60 साल बाद लगातार तीसरी बार आपने हमें देश सेवा का मौका दिया है। मेरे 140 करोड़ देशवासी, आपने जो आशीर्वाद दिए हैं उस आशीर्वाद में मेरे लिए एक ही संदेश है, जन जन की सेवा, हर परिवार की सेवा, हर क्षेत्र की सेवा और सेवा भाव से समाज की शक्ति को साथ लेकर के विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचना, 2047 विकसित भारत के सपने को लेकर के चलना, उसी एक संदेश को लेकर मैं आज लाल किले की प्राचीर से हमें आशीर्वाद देने के लिए मैं कोटि कोटि देशवासियों का सर झुका करके आभार व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रति नतमस्तक होता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं
कि हमें नई ऊंचाइयों को नए जोश के साथ आगे बढ़ना है। हमें सिर्फ जो हो गया है वो संतोष मान करके बैठने वाले हम लोग नहीं है, वो हमारे संस्कार में नहीं है। हम कुछ और करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए और कुछ और नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विकास को, समृद्धि को, सपनों को साकार करने को, संकल्प को लिए जीवन खपाने को हम अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं, देशवासियों का स्वभाव बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति, बहुत एक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छा इनिशिएटिव लिए है और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का, हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं और जैसे कई बार, और दोस्तों आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाए हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व देश तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला है।
हमें साइंस को बहुत बढ़ देना की आवश्यकता है। और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है, हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े गर्व की बात है कि बजट में हमने 1,00,000 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णय किया है ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाए। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा मैंने बड़े बहुत ज्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है, कभी कभी जब मैं सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।